नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश और स्वागत है आपका एलकेटी ब्लॉग। इसका नाम सुनील है और हम दोनों आए हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नाश्ता पानी करेंगे और यहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ याद रखना, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बटन पे, लाल बटन पे जाके क्लिक कर दीजिए। बिल्कुल फ्री है यार, बिल्कुल कंजूसी नहीं करने का है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और हम आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़। देखो हम यहाँ पे नाश्ते के लिए भी लाए हैं और फिर तो दोस्तों सुनील ने अपना खोल लिया है। देखो क्या क्या है, ये बहुत सारे वेफर्स है, बहुत सारे और प्लस ये क्या है, पंजाबी तड़का है, बहुत सारे वेफर्स हैं, पंजाबी तड़का है और ये पानी की व्यवस्था किया क्योंकि दोस्तों खाने के साथ में नाश्ता करेंगे, चिप्स वगैरह वेफर्स वगैरह ये नमकीन वगैरह खाएंगे तो पानी भी तो चाहिए होगा, वरना तो सीधा अटकेगा। हाँ तो दोस्तों इसके साथ में ये है, ये वाले वेफर्स हैं, नमकीन है, टमाटो वेफर्स है, यानी कि बहुत सारे यहाँ पे हम दो ही लोग हैं दोस्तों, तो बहुत सारा यहाँ पे तो बहुत सारा चीज़ है और ये हम यहाँ पे टाइम स्पेंड करने वाले, तो दोस्तों ज़रूरत है कि यानी कि भूख तो लगेगी तो हम दोनों जन यहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे तो फिर नाश्ता तो चाहिए होगा, पानी करके फिर चलो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड हम दोनों का नाश्ता पानी हो गया है, अभी यहाँ पे आपको चलो दिखाते हैं। तो दोस्तों जो अभी सीन देख रहे हो आप, ये कैसा लगा आप जरूर कमेंट में बताना। तो यहाँ पर बहुत सारे ये फूल खिले हुए हैं, देखिए कितने सारे फूल हैं और बहुत ही यहाँ पर सुंदर नज़ारा है इसका, जगह का दोस्तों बहुत अच्छा जंगल है, पर इसमें जो घास है आने जाने का रास्ता नहीं है दोस्तों। हाँ तो फ्रेंड किस किस को इस फूल का नाम पता है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन करना, इस फूल का नाम क्या है, हमारे यहाँ पे इस समय पे बहुत खिलता है ये फूल। हाँ तो दोस्तों बरसात का मौसम है, यहाँ पे भी देखो कितने प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं। देखिए फ्रेंड कितना यहाँ का शानदार व्यू है, ये पत्थर पड़े हुए हैं बड़े बड़े और यहाँ पर समझिए कि ये जो व्यू है बहुत ही शानदार है, प्रकृति का जो नज़ारा है वो देखने लायक है और बारिश का टाइम है तो सभी जगह यहाँ पर हरियाली छाई हुई है दोस्तों। और ये छोटी सी एक नाली बह के जा रही है यहाँ से, जो वीडियो था ना खाड़ी का ये उस साइड को नीचे, यानी कि मैं ऊपर ब्रिज पर खड़ा हुआ था बट वहाँ पर कम से कम 100 फीट नीचे था, ये उसी जगह खाड़ी पर रास्ता जा रहा है और वो खाड़ी ही आगे जाके समुद्र में मिल जाती है, तो ये सीधा यहाँ से मुश्किल से 200 मीटर दूर है तो जो वो रास्ता जा रहा है। और ये देखो जो जा रहा है जहाँ से हम आए हैं दोस्तों, ये उधर से जाता है और ये फिर अंदर जाके 1.5 किलोमीटर जाके आगे और ये सिटी के लिए निकल जाता है दोस्तों। तो चलो हम आके दिखाते हैं, देखो बहुत ही सुंदर दृश्य है दोस्तों। और इधर का मैं आपको बैक साइड का भी आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखा देता हूँ, ये कितना अच्छा दृश्य है, ये पूरा जंगल का है देखो। ये रास्ते में पेड़ टूट के गिर गया है, पूरा का पूरा पेड़ है ना दोस्तों, जमीन सहित है ना, देखो ये आपको दिखाता हूँ, जमीन के सहित है उखर के यहाँ पे गिर चुका है, यानी कि तूफान वगैरह आया होगा तो कोई उसने पूरा का पूरा पेड़ ही उखाड़ के फेंक दिया भाई, आंधी तूफान वगैरह प्रकृति का जो भी प्राकृतिक आपदा है उसके आगे तो ये समझो इंसान की भी नहीं कुछ चल सकती। वो अच्छी अच्छी कंटेंट इस ब्लॉग चैनल पर देने वाला हो तो मेरे को पूरा विश्वास है कि आप ज़रूर सपोर्ट करेंगे, तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आगे फिर एक नए ब्लॉग में, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय। तो बाय बाय दोस्तों।